सभी दर्शकों को मेरी राम राम। न्यूज इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ में रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरे सहयोगी योगेंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुपशहर। इस समय पर हम छोटी काशी अनुपशहर के श्रीमती प्रज्ञा गौर जी से जो जुड़े हुए हैं, जो जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हैं, जो कि संसद भवन का निर्माण का उद्घाटन संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है 28 मई को, उनके बारे में जानकारी करते हैं प्रज्ञा गौर जी से। मैं प्रज्ञा गौर अपने सभी देशवासियों को नमस्कार करती हूं और आज मैं जो बात कहने वाली हूं वो किसी पार्टी धर्म जाति से ऊपर उठकर बात करने वाली हूं, भारत के एक नागरिक की तरह, एक जागरूक नागरिक की तरह। तो मेरा नाम जानना ही पर्याप्त है आज। तो मैडम, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि दिल्ली के अंदर नए संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी करने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत बहुत नमस्कार बोलती हूँ कि वो हमारे देश के पीएम हैं। लेकिन उसके साथ ही मैं एक लाइन बोलूँगी कि द पार्लियामेंट इज़ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ रिपब्लिक इंडिया। तो यहाँ पे आप गौर करिए कि लेजिस्लेटिव बॉडी, तो हमारी पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी एग्जीक्यूटिव बॉडी में आते हैं, तो इस तरह से यदि हम यदि देखते हैं तो भी कहीं ना कहीं सोच सकते हैं वो खुद भी कि वो किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। और मेरे पास 3 पॉइंट हैं जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन से लेके और महिला और आदिवासियों तक के पूरे सफ़र को बताऊंगी कुछ छोटी सी लाइनों में इतिहास की झलकियों से, तो आप वो भी ध्यान से सुनिए। यदि हम अपने राज्य, अपनी धर्म, अपनी जाति, अपने समाज या अपने स्वार्थ को अपने राष्ट्र के ऊपर रखते हैं तो कहीं ना कहीं हम देश की एकता और अखंडता को खतरे में डाल रहे होते हैं। मैं बात करती हूँ 1900 और इंदिरा गांधी जी के टाइम में चलते हैं हम लोग, बात है 1984 की। इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन 543 सीटों के लिए और उस समय इंदिरा जी ने बहुमत से 415 सीटों पर विजय पाई थी। इतनी सीटों पर विजय पाने के बाद आप जानते हैं कि वोटिंग कितनी हुई थी, कितने लोगों ने इंदिरा जी को पसंद किया था? 543 में से 415 का मतलब समझ रहे हो आप, बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत। लेकिन वोटिंग कितने लोगों ने करी थी? केवल 48% लोगों ने, मतलब केवल 48% लोग उस समय इंदिरा जी को पसंद करते थे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ और जानती हूँ, उससे बड़ा वोटिंग रेशियो आज तक भारत में नहीं है। 303 सीटें 2019 में बीजेपी लाई थी, लेकिन ये भी उस बहुमत से आगे छोटा है। तो जब समझिए कि 48% लोग उस समय उन्हें पसंद कर रहे थे, तो आज जो मेरी गवर्नमेंट है बीजेपी, जो मेरे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो इस भ्रम में क्यों है कि भारत की 50% से भी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उन्हें पसंद करती है? तो ये मैं मिथक क्लियर कर दूं कि भारत की 50% से कम पॉपुलेशन उन्हें पसंद करती है, जबकि पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है भारत के 100% पीपल ऑफ इंडिया को, हर धर्म को, हर जाति को, हर समाज को, हर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट। यहाँ तक कि जो वोटिंग नहीं करते उनको भी रिप्रेजेंट करती है। जब 100% लोगों को पार्लियामेंट रिप्रेजेंट कर रही है, तो एक ऐसा इंसान जिसको केवल 48% से भी कम पीपल पसंद कर रहे हैं, तो वो कैसे इनॉग्रेशन कर सकता है? कोई घर का, कोई मकान का इनॉग्रेशन नहीं है, इनॉग्रेशन पूरे भारत की जनता का है। मैडम, मेरा सवाल आपसे ये है जी कि देश की जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी जी, वो कांग्रेस पार्टी में थी जी, और उस समय विपक्ष में भाजपा बैठी थी जी, और उसके बाद में और अब की बात कर रहे हैं, जबकि तुलना आप अब से बात कर रहे हैं, उस समय देश में मतदाता जागरूक नहीं था। हाँ। आज मतदाता जागरूक है। सर, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ पाए। मेरा पॉइंट था कि हमारे यहाँ का जो चुनाव सिस्टम है ना, वो इस तरह का बना है कि यदि 48% लोग भी पसंद करते हैं तो भी गवर्नमेंट बहुमत से ज़्यादा बहुमत में बनेगी। 48% वोटिंग पर आप समझ रहे हो 415 सीट निकाल के लेके गई है 48% में केवल, तो उससे ज़्यादा लोग नहीं पसंद कर सकते हैं। आप मेरी बात समझिए, मैं किसी पार्टी की तुलना नहीं कर रही हूँ, मैं तुलना कर रही हूँ कि हमारे यहाँ का जो चुनाव सिस्टम है ना। आप मेरी बात समझने की कहाँ कोशिश कर रही हैं, बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि यदि कांग्रेस को जनता उस समय पॉपुलेशन ज्यादा थी, इस समय भाजपा की गवर्नमेंट है। हाँ। क्या नरेंद्र मोदी के लिए पॉपुलेशन नहीं करती है आज की जनता? नहीं,
पसंद और नापसंद वाली बात नहीं है, वो सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, तो ऑब्वियस जनता उन्हें पसंद करती है। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ का चुनावी सिस्टम ऐसा है कि जरूरी नहीं कि आप 50% वोट ला रहे हो या 50% लोग आपको पसंद कर रहे हैं तभी आप सत्ता में हो। हमारे यहाँ का जो चुनावी सिस्टम है वो फर्स्ट पास्ट देन पोस्ट, यानी जो सबसे ज़्यादा पाने वाला है वो जीतने वाला है। जैसे आप इमेजिन करो, 5 लोग खड़े हुए इलेक्शन में, ठीक है, 5 लोग में से यदि किसी के पास 20 वोट आ गए और सबके 15-15 वोट आए हैं तो 20 वाला जीत जाएगा। यानी 50% लाने की ज़रूरत भी नहीं है, यानी केवल 20 लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, बाद बाकी के जो 80 लोग हैं वो नापसंद कर रहे हैं, फिर भी आप देश की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये हमारे यहाँ का चुनावी सिस्टम है, 100% को 50% को रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, इसको भी नहीं समझते तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप एग्जीक्यूटिव बॉडी हो, लेजिस्लेटिव बॉडी नहीं हो। तो ऑफिशियली जो इसकी ऑथराइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब लिख के गए थे कि चुनाव कौन करेगा, कौन देगा वोट, कौन वोट नहीं दे सकता है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है, ये सब वो क्यों लिख के गए थे? क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि डेमोक्रेसी का हनन होने वाला है, सब कुछ लिख के गए थे। तो उन्होंने इसके अकॉर्डिंग यदि राइट बनता है तो वो बनता है हमारी राष्ट्रपति जी का, जो देश की पहली नागरिक हैं। और दूसरा, हमारे लिए गौरवान्वित होने वाली बात है कि हमारे देश की प्रथम नागरिक एक महिला है। हमारे वेद और पुराण भी कहते हैं कि यत्र नारी पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो आप एक महिला की तरह भी उनका यदि सम्मान करोगे तो भी ये अधिकार उनका है, और देश की प्रथम नागरिक होने के नाते भी ये अधिकार उनका है। यदि वहाँ भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर ये अधिकार हमारे उपराष्ट्रपति को भी जाता है। तो ये पूरी राज्यसभा का भी आप कहो एक तरह से अपमान है, एक महिला के स्वाभिमान को भी ठेस पहुंचती है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं यदि देखूं तो हमारी जो महिला राष्ट्रपति हैं वो बिलोंग करती हैं आदिवासी कम्युनिटी से, और जैसा हम सभी जानते हैं कि आदिवासी कहीं ना कहीं हमेशा हाशिए पर रहे हैं, तो आप इस तरह उनको और धकेलते जा रहे हो, तो ये अपमान पूरी आदिवासी कम्युनिटी का भी है। तो मैं अपने सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन करती हूँ कि धर्म, जाति, सत्ता, इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए, और एक महिला आपकी राष्ट्रपति के रूप में आपको गौरवान्वित कर रही है उसको उसका सम्मान और स्वाभिमान भी दीजिए। ये लड़ाई केवल एक देश की प्रधानमंत्री की भी नहीं है। मैडम सुनिए जी, कि ये जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं जी, वो भाजपा सरकार ने वो चुनी, जिनको आप आदिवासी बोल रही हैं जी, आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो हमारे देश की प्रथम नागरिक हैं जी, और उन्होंने भाजपा ने ही उनको राष्ट्रपति बनाया है, तो यदि उनको अपमान कैसे मानने कि उनका अपमान हो रहा है? सर, जहाँ तक मैं राष्ट्रपति बनने के प्रोसीजर की बात करूँ तो राष्ट्रपति लेजिस्लेटिव बॉडी है, कोई एक एग्जीक्यूटिव पार्टी उसको नहीं जिता सकती। इसके लिए तो फिर मुझे पूरी पॉलिटिकल थ्योरी आपको बतानी पड़ जाएगी, बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन राष्ट्रपति किसी एक पार्टी से बिलोंग नहीं करता है, राष्ट्रपति रिप्रेजेंटेटिव है पूरी जनता का, वो कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है, लेजिस्लेटिव बॉडी है। अपमान बता रहे हैं, अपमान कैसे हुआ? अपमान क्योंकि यदि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि भाई ये काम लेजिस्लेटिव बॉडी करेगी, एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता है, कोई भी कार्यपालिका का प्रधान नहीं कर सकता है इसको। क्योंकि आप सोच के देखिए कि पार्लियामेंट में बैठने वाला क्या केवल एक ही दल होगा? क्या केवल एक ही पार्टी भाजपा बैठेगी? भाई उसमें सभी पार्टी बैठने वाली हैं। यदि एक सांसद चुन के जा रहा है किसी और पार्टी से भी, तो क्या बीजेपी बोल देगी कि हम नहीं बैठने देंगे? सब बैठेंगे ना। तो इनॉग्रेशन करने का मतलब वो बंदा इनॉग्रेशन करेगा जो सभी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो भारत के हर एक नागरिक को रिप्रेजेंट करता है, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं करता। क्योंकि एक पार्टी का पार्लियामेंट नहीं है, पार्लियामेंट भारत का है, द पीपल ऑफ इंडिया का है, और द पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है भारत का राष्ट्रपति, जो इस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और भारत की प्रथम नागरिक होने के नाते और दूसरा एक महिला होने के नाते भी उनके पास ये अथॉरिटी है, उनका ये अधिकार है। और यदि उनका अधिकार उनको नहीं मिलता है तो ये मैं कहूँगी कि अपमान ही है। किसका अधिकार मान नहीं है, किसका अधिकार नहीं मिल रहा, वो स्वयं आप अपने आप ही में समर्पण है, वो स्वयं समर्पित है, लेकिन हम भी उनके पीछे हैं भाई, हम भी तो एक महिला कम्युनिटी हैं, और ऊपर से हमें बहुत ज़्यादा गर्व है कि एक महिला हमारे देश की कमान संभाल रही है। नहीं मैडम, तो हम भी उनकी तरफ बोलेंगे। मेरा सब एक महिला होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता है कि मैं बोलूं। बात सही है। मेरा सवाल आपसे है जी कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, तो उस पर 19 दल विपक्ष में खड़े हुए हैं,
के देश के राष्ट्रपति को नहीं इनवाइट किया गया है। तो मैं इसमें मेरे एक सवाल है कि 24 अक्टूबर 1975 को हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने उपवन का उद्घाटन स्वयं किया था, उसमें राष्ट्रपति को नहीं इनवाइट किया गया था। दूसरा था 15 अगस्त 1987 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद भवन में पुस्तकालय का उद्घाटन किया था, उसमें भी देश के राष्ट्रपति को इनवाइट नहीं किया गया। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में 2020 में, बिहार में 2019 में, मणिपुर में 2011 में, तमिलनाडु 2010 और तेलंगाना में 2023, आंध्र प्रदेश में 2018, झारखंड में 2024 को मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इन भवनों का निर्माण उद्घाटन किया था। इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? सर देखिए, मैं किसी पार्टी की बात तो नहीं कर रही हूँ, बस इतना कहना चाहती हूँ कि इन सब तथ्यों से लगता है कि या तो लोग इतने एग्रेसिव नहीं होंगे या लोग जागरूक नहीं रहे होंगे। पर ये सोच करके उस समय लोग जागरूक नहीं थे, आज भी हम सोते रहे, तो ये बात गलत है ना। आज मैं इस बात को समझ रही हूँ और वो दल भी समझ रहे हैं जो अपोजिशन में है या जो विरोध कर रहे हैं, तो वो आज इसलिए विरोध ना करें क्योंकि कल विरोध नहीं हुआ था। आज मैं आँख बंद करके रहूँ ताकि, क्योंकि वो कल भी आँख बंद किए हुए थे, इसलिए नहीं, गलत है। मेरा सवाल ये है, जैसे 19 दल विपक्ष में खड़े थे, ये दल उस समय भी थे, उस समय क्यों खड़े नहीं हुए जो देश के प्रधानमंत्री पूर्व मनमोहन सिंह और देश कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भवनों का निर्माण किया था? मेरा सवाल ये है। अच्छा, अब आप ये बताइए कि एक लाइब्रेरी या एक भवन की तुलना आप पार्लियामेंट से करते हो? नहीं सचिवालय। मैं तो ये मान के चलती हूँ कि पूरे भारतवर्ष के जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या जितने भी धार्मिक स्थल हैं, उन सब का सबसे भी बड़ा एक तीर्थ स्थल है, वो है भारत की संसद भवन, भारत का पार्लियामेंट, मैं ये मान के चलती हूँ। तो कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी भवन, कोई भी पुस्तकालय उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। और ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है कि पार्लियामेंट का उद्घाटन ऐसे समय में हो रहा है कि उस समय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एज ए राष्ट्रपति काम कर रही हैं। जैसे भाजपा सरकार ने भारत के जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को इनवाइट नहीं किया है उद्घाटन में, तो क्या आप उनका अपमान मान रही हैं? क्या उद्घाटन में इनवाइट करने का मतलब नहीं है सर, उद्घाटन ही उनको करना है। उद्घाटन में इनवाइट करना एक अलग चीज़ हो गई, और उनके हाथों से उद्घाटन ही उनके हाथों से होना है। उद्घाटन जब नहीं बुलाया गया है तो कहाँ से करेंगे? क्या मान के इसको होलसोल अथॉरिटी ही मैम की है, ये बिल्कुल भी मान के भ्रम में ना रहे। देश का कोई भी दल, कोई भी सत्ताधारी दल, चाहे वो कोई भी दल हो, मैं आज किसी भी एक पार्टी से बात नहीं कर रही हूँ बिल्कुल भी, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते बात कर रही हूँ कि किसी भी भ्रम में देश की कोई भी सरकार ना रहे, कोई भी दल ना रहे, भारत के नागरिक जागरूक हैं और वो समझते हैं कि ये अधिकार है मैम का और उनको ही ये करना चाहिए। मैं प्रज्ञा गौड, न्यूज़ इंडिया फर्स्ट चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने साहसपूर्ण इन्होंने ये कार्य किए हैं कि इस कवरेज को लिया है। मुझे नहीं लगता कि इतना साहसपूर्ण कार्य हर न्यूज़ चैनल कर सकता है, तो मैं इन भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। और अपने देश के नागरिकों से कहूंगी कि अभी समय है, जाग जाइए। कोई भी इंसान स्वार्थवश या अभिमानवश हमारे लोकतंत्र से ऊपर नहीं हो सकता, कोई भी पार्टी, कोई भी सत्ता आपकी आज़ादी से ऊपर नहीं हो सकती। तो अपना स्वाभिमान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और अपनी आज़ादी जो देश के अमर शहीदों ने बड़ी मुश्किल से आपको दी है, उसको भुनाइए, उसकी रक्षा कीजिए। जय हिंद, जय भारत।